अब जो बुलेट ट्रेन की एक लेटेस्ट खबर निकल कर आई है ना, इससे तो अच्छी और कोई न्यूज हो ही नहीं सकती। भारत के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने का प्लान प्रधानमंत्री मोदी जी ने डाल दिया है और इस पर जल्द ही अब सर्वे वर्क भी शुरू होगा। जो बीजेपी का रीसेंट मैनिफेस्टो था 2024 लोकसभा इलेक्शन के दौरान, यहाँ पर बताया गया था कि वेस्टर्न पार्ट में तो ऑलरेडी शुरू हो गया है बुलेट ट्रेन का काम, मुंबई अहमदाबाद वाला, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट साउथ हर एक रीजन में एक एक बुलेट ट्रेन का काम शुरू होने जा रहा है और इसमें ज्यादा देरी नहीं की जाएगी, बस इसी साल अब सर्वे भी शुरू हो जाएगा। काफी ऑफिशियल्स का ये भी कहना था कि वेस्टर्न कॉरिडोर दैट मींस मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन ये जो तीन कॉरिडोर अब अनाउंस किए गए हैं ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी अब ऑलरेडी आ चुकी है। बड़े बड़े गर्डर्स बिछाने वाली क्रेन्स ये भारत में ऑलरेडी L&T मैन्युफैक्चर कर रही हैं और अब जल्द ही तीनों कॉरिडोर्स में हम ये क्रेन को डिप्लॉय करके तेजी से एलिवेटेड कॉरिडोर्स डाल सकते हैं। इसके बाद अब भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन भी भारत में ही डिजाइन की जा रही है। सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि अगले ही साल इसे रोल आउट भी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब से ठीक एक साल बाद जून या जुलाई 2026 को दुनिया के सामने होगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरती है। भारतीय रेलवे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हम गुजरात में 2026 में गुजरात के सेक्शन में तो एटलीस्ट बुलेट ट्रेन दौड़ा ही देंगे और फिर जब ये मुंबई का कॉरिडोर खत्म होगा तब जाकर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे फर्दर। ओवरऑल इस फर्स्ट कॉरिडोर की प्रोग्रेस की बात करें तो 40% काम ही अब पूरा हो चुका है, बाकी का काम भी जल्द ही कर लिया जाएगा, ये रेलवे का वादा है। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब भारत के सामने हमारे इंजीनियर्स हमारे साइंटिस्टों द्वारा बनाई गई ये जो बुलेट ट्रेन है ना, ये जापान भी देखेगा और इनकी कंपनियों को शर्म आएगी कि कैसे ये हाई प्राइस में भारत को बेच रहे थे और भारत भी कम नहीं है, अपनी बुलेट ट्रेन इन्होंने खुद ही बना दी और पूरे दुनिया के सामने ये एक परफेक्ट उदाहरण होगा मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का।